पहले वॉल्यूम में आपको मिल जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 to 116, और दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 41 जो है आपको मिल जाएगा। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2020 और आज के डेट में सीए इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ICI.org पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो ये अनाउंसमेंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं तो भी ये अनाउंसमेंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है ये अनाउंसमेंट जो है आपके लिए रिलेवेंट ना हो, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उतना नहीं है। बट सीए फाइनल के अगर आप कैंडिडेट हैं तो जरूर से जरूर इस अनाउंसमेंट का लाभ उठाइए, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है न्यू कंपेडियम ऑफ अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2020। जी हाँ, फॉर द ईयर बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 इसके लिए जो है अमेंडेड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सी इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट में प्राइमरली इस अमेंडमेंट में जो इंटेंशन है, सी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि एडिशनल क्लैरिफिकेशन टू द स्टैक होल्डर्स इस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है। सबसे पहली 3 इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे सी इंस्टीट्यूट का कहना है कि पहली बात तो जो डिफिनीशन टर्म है मटेरियल और बिजनेस, उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको क्लैरिफाई किया गया है और गाइडेंस दिया गया है क्लैरिटी के साथ, बेटर क्लैरिटी प्रोवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग में। और दूसरे पॉइंट में कहना है कि अकाउंटिंग रिलीफ जो है सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड किया गया है इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 फॉर लीजी कंसिक्वेंट टू द COVID-19 पैंडेमिक, और एक्सेप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्पेसिफिक हिज अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट अंडर इंडियन एस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क आर अंडरगोइंग रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे लास्ट में जो है वो कंपेडियम का लिंक सी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिसपे आप क्लिक करके जो है इस वेब पेज पे आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 वॉल्यूम में रिलीज किया गया है कंपेडियम। पहले वॉल्यूम में आपको मिल जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 to 116, और दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 41 जो है आपको मिल जाएगा। चलिए क्लिक करके मैं एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ पे देख सकते हैं पिछला जो ईयर है 2019-20 और 2018-19 उसका भी वॉल्यूम वाइज जो है यहाँ पे कंपेडियम दिया हुआ है। तो चलिए पहले वॉल्यूम में क्लिक करते हैं। ये रहा वॉल्यूम 1 कंपेडियम ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ईयर 2020-2021 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेकर 116 जो कि लीज से रिलेटेड है वो दिया गया है। और सेकंड जो वॉल्यूम है यहाँ पे देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 41 तक यहाँ पे दिया हुआ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपेंडिक्स आपको दिया गया है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 जो IFRS और आपका इंडियन एस में जो डिफरेंस है कंपैरिजन है उससे रिलेटेड जो है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से वो भी रिलीज कर दिया गया है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप पाना चाहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।